देश के प्रधानमंत्री द्वारा जिस दिन विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करने का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं कुल्लू के एक स्कूल में इस कार्यक्रम के दौरान एक विद्यार्थी से छुआछूत का मामला प्रकाश में आया और आजकल उससे जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ बच्चे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण उच्च जाति के बच्चों से अलग बिठाकर सुनाया जा रहा है। इस वीडियो पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सोलन दौरे के दौरान उन्होंने इस मामले पर खेद व्यक्त किया और जांच के आदेश दिए हैं ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। कुल्लू के स्कूल में हुए छुआछूत मामले पर हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन दौरे के दौरान तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले पर शिक्षा सचिव को जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त भी इस मामले पर कड़ी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटना कुल्लू के स्कूल में हुई है तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, डीसी ने भी जो है उस पर जो है इंक्वायरी लिखा है। मैंने कल शिक्षा सचिव को जो है वो आदेश दिए हैं कि तुरंत इसकी इंक्वायरी करके जो है वो एक्शन लिया जाए। अगर किसी ने इस प्रकार की न की है और स्कूल में की है तो उस पर जो है वो एक्शन होगा।